और यूरोपीय देश लिथुआनिया में ताइवान का दूतावास खुलने से चीन बौखला गया है और बीजिंग ने लिथुआनिया को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी है। चीन ने ताइवान को लिथुआनिया में दूतावास नहीं खोलने और लिथुआनिया से संबंध नहीं बनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन ताइवान ने चीन की धमकी को ठेंगे पर रखा और कड़ी धमकी के बावजूद ताइवान ने लिथुआनिया में अपना दूतावास खोल लिया। ताइवान और लिथुआनिया के बीच बढ़ते संबंध से चीन परेशान था। चीन ने अगस्त में बीजिंग में लिथुआनिया के राजदूत को देश लौटने को कहा था। ताइवान में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिथुआनिया के फैसले से बीजिंग भी नाराज है, हालांकि इसके लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। बता दें कि ताइवान के सिर्फ 15 देशों के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध है।